Hey guys, welcome back again my YouTube channel Technical Engineer. तो आज से हम लोग का जो है क्लास स्टार्ट होने वाला पावर सिस्टम का. ओके, पावर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरमेंट नेटवर्क के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन में है जो थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, थोड़ा उसमें समझना होता है. और तो आज हम लोग पावर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मशीन की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम लोग नेटवर्क में जाएंगे क्योंकि नेटवर्क का इसमें ज़्यादा यूज नहीं, बस सिंपल केवीएल केसीएल के यूज पढ़ने वाला, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो हम लोग तो क्वेश्चन में जो भी रहेगा हम लोग बताते चलेंगे. तो नेटवर्क हम लोग मशीन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे और प्लस हम लोग का ये सब यूज पड़ेगा बाद में. ठीक है, तो हम लोग पहले, क्योंकि नेटवर्क जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ नेटवर्क पहले स्टार्ट किया जा रहा, तो एक ही चीज़ आप लोग बहुत बार पढ़ लीजिएगा और नेटवर्क में उतना कुछ होता नहीं, वो प्रैक्टिस वाले होते हैं. हालांकि क्वेश्चन तो कैरी करता है नेटवर्क से ही ज़्यादा. ठीक है, तो हम लोग जो भी है आज हम लोग पावर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मेनली है आते हैं हम लोग, ये जो है सिर्फ मेनली स्ट्रिक्टेड है वो जेई लेवल के लिए है. ठीक है, जेई के जितने सिलेबस है और जो क्वेश्चन है वो जेई के लिए, और हम जो क्वेश्चंस रहेगा वो मेरा जहाँ से भी सारे तरह के रहेंगे, एस एस सी जेई, ऑल टाइप जेई, गेट, आईएएस, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे. तो क्वेश्चन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, हालांकि सिलेबस थोड़ा बहुत वेरी करता है, जो जेई का सिलेबस रहता है और गेट का सिलेबस वो बहुत ही ज़्यादा डिफर रहता है. तो हम लोग जो सिर्फ सिलेबस लेकर चल रहे हैं वो जेई के लिए ले चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. तो हम लोग आज से है जो पावर सिस्टम में इंटर करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें है पावर सिस्टम. ठीक है, पावर सिस्टम में तीन तरह के हैं. पहला है जनरेशन, ठीक है, उसके बाद है ट्रांसमिशन, उसके बाद है थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले जनरेशन से. जनरेशन में जो भी थर्मल पावर प्लांट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे जनरेट होता है वो पावर के लिए देखेंगे. ट्रांसमिशन में फॉल्ट एनालिसिस और भी वगैरह वगैरह. जनरेशन में हम लोग इकोनॉमिक भी देख लेंगे और जो डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सब जनरेशन में देख लेंगे, क्योंकि जनरेशन जो जेई के नज़र में थोड़ा सही है ना. जेई जितने भी जेई होते हैं उसमें जनरेशन का क्वेश्चन ज़्यादा कैरी रहता है, सारे का रहता है, लेकिन जनरेशन को इग्नोर. लेकिन गेट और आईएएस में जो जनरेशन से थोड़ा कम आते हैं, लेकिन हम लोग जनरेशन में करेंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और फिर हम लोग इसमें मेरा फॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सर्किट ब्रेकर, ये सब मेरा रिले वगैरह आ जाएंगे. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं जनरेशन में. ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो फर्स्ट में आते हैं जनरेशन. तो जनरेशन की बात करें तो इंडिया में या फिर कहीं वर्ल्ड में दो तरह से पावर को जनरेट किया जाता है. एक होता है मेरा कन्वेंशनल, हो सके तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट कर लें, नहीं तो देखते ही चलें, कोई दिक्कत नहीं है. एक होता है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा होता नॉन कन्वेंशनल. ठीक है, तो कन्वेंशनल में होता क्या है कि कन्वेंशनल जो होता है कि उसमें होता है कि जो मेरा पावर जनरेट हो रहा वो मेरा रिन्यूअल नहीं रहता, वो मेरा कोई सोर्स जैसे कि मेरा फ्यूल वगैरह से, फ्यूल से मेरा इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे कि मेरा कोल, डीजल, न्यूक्लियर, हाइड्रो में, तो ये सारे मेरे कन्वेंशनल मेथड में आए हैं. ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल होगी जो रिन्यूअल, जो कि मेरा इनफाइनाइट सोर्स है अभी तक, तो उसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हो गया इसमें सनलाइट से, जो मेरा सनलाइट से हो जाता है, एयर से. ठीक है, और जियोथर्मल, ये मेरा सारे प्लांट होते हैं सनलाइट वाले, जो मेरा सोलर प्लेट लगा के करते हैं, एयर वाला जो मेरा टरबाइन पवन चक्की जिससे होता है, और जियोथर्मल एक होता है जो मेरा, वो भी मेरा एक तरह से सनलाइट से होता है, और मेरा समुद्र और ये जो अर्थ है उसका जो मेरा हीट को जो एक्सचेंज करके, ये मेरा जियोथर्मल होता है. ठीक है, तो हम लोग को मेनली पढ़ना है कन्वेंशनल मेथड. तो कन्वेंशनल मेथड में हम लोग को इसमें फोकस करना है हम लोग को, क्योंकि यही हम लोग का सिलेबस में और यही हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, तो कन्वेंशनल में आते हैं हम लोग. तो कन्वेंशनल में पहला है
कन्वेंशनल में तीन तरह के आते हैं हम लोग को सिलेबस में, और जो भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट, सेकंड है थर्मल, थर्मल इलेक्ट्रिक या फिर थर्मल प्लांट कुछ भी ले सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग स्टीम भी बोलते हैं, ये मेरा हो गया। और थर्ड में है मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो ये हम लोग का, ये मेनली हम लोग का तीन तरह के जनरेशन है, तीन तरह के। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मेनली होता क्या है कि, अरे अच्छा ठीक है फिर से लिख देते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मेरा होता क्या है कि जो मेरा वाटर का जो हाइट है, जो मेरा उसका जो पोटेंशियल है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द मीडियम ऑफ टर्बाइन एंड अल्टरनेटर, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक में आते हैं। तो जो भी मेरा जो वाटर स्टोर होता है वो मेरा कई हाइट पे रहता है स्टोरेज, हम लोग ये रफली में चलते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। हम लोग ज़्यादा डिफिनेशन वाइज नहीं जा रहे क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी एग्जाम है ना, अब आपको बस समझना है, ठीक है, इसको एनालाइज करना, ना कि आपको सिंपल देखना है कि दिस द हाइट ऑफ द वाटर लाइक, ये सब नहीं, हमको आपको बस समझाना है, डिलीवर करना अपना बात को। तो जैसे कि कोई भी, ये मेरा मान लीजिए कोई हाइट पे, एक मेरा रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर जहाँ मेरा वाटर स्टोर होता है उसे रिजर्वायर बोलते हैं, और उसे रोक कर रखता है मेरा एक डैम, इसे बोलते हैं डैम। डैम में एक टनल होता है, ये मेरा ओपन, एक गेट द्वारा बंद या ओपन होता है, ठीक है, ये मेरा डैम हो गया। और यहाँ पे एक मेरा सर्ज टैंक है, और ये मेरा एक पेन स्ट्रोक रहेगा, और ये मेरा जॉइंट रहेगा एक मेरा पावर स्टेशन से, ठीक है, ये मेरा पावर स्टेशन रहेगा। फिर यहाँ से एक मेरा टेल रेस रहेगा, इसे टेल टैंक भी बोलते हैं या टेल ट्रेस कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट का एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें मेनली पार्ट होता है क्या, रिजर्वायर, डैम, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, पावर स्टेशन, टेल्ट्रेस, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है, ये मेरा एक जो वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। पोटेंशियल क्या होता है, जो मेरा हाइट पे, जैसे ये कोई भी पोटेंशियल क्या होता है, MgH, मेरा उस कोई भी जो हाइट पे उसका मास हो गया, जी मेरा ग्रेविटी हो गया, एच मेरा इसका हाइट हो गया, ये एच जो है मेरा, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, तो इसी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट करते हैं। इसमें कोई केमिकल, जैसे कोई भी, और सर जो थर्मल होता है उसमें क्या रहता है कि केमिकल को हम लोग इलेक्ट्रिकल में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पहले केमिकल होता है जो बर्न होता है, फिर थर्मल में कन्वर्ट होता है, थर्मल के बाद वो मेरा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिंपल जो है मेरा हाइट का खेल है, ये मेरा पोटेंशियल को मेरा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, सिंपल बात में। इसमें वाटर की जगह और भी कोई फ्लूड है तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना कि यहाँ पे वाटर, लेकिन वाटर हम लोग के अर्थ में जो हम लोग का अवेलेबल है वो मेरा सस्ते में वो वाटर है। कोई भी यहाँ पे लिक्विड रहता तो वो भी वही काम करता है, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचे कि वाटर का कोई यहाँ पे उस तरह का काम है जैसे कि इम्पोर्टेंट रोल, वो उस तरह का कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भी लिक्विड रहेगा वो वैसा ही काम करेगा, क्योंकि इसको सिंपली पुश करना है, टर्बाइन को रोटेट कराना, पोटेंशियल से इसको रोटेशनल मोशन में लाना मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल से मेरा जो अल्टरनेटर वो मेरा इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा समझ गया कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट पे आते हैं। एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर देखिए, ये मेरा रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर, ये मेरा डैम, ये मेरा पेन स्ट्रोक, सॉरी ये मेरा सर्ज टैंक, ये मेरा पेन स्ट्रोक, ये मेरा पावर स्टेशन, ये मेरा टेल्ट्रेस। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया कि ये जो डैम है ये थोड़ा अलग बता रही है, जो डैम है डैम का कुछ हाइट पे हमेशा ओपन किया रहता है, ठीक है। जबकि ये भी देख रहा है कि मेरा हाइट है पहले से, फिर भी हम लोग जो है थोड़ा ऊपर से क्यों करते हैं, हम लोग नीचे से यहाँ से भी कर सकते थे। हेड का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो हाइट होता वो मान लीजिए कि यहाँ अगर एच है तो यहाँ पे थोड़ा 10 मीटर थोड़ा और कर लेता तो उससे कोई फर्क, लेकिन हम लोग इतना पानी को हमेशा स्टोर करके क्यों रखते हैं। हम लोग चाहें तो इसको यूज कर लें तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा हम लोग को एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा हम लोग को इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मेरा वाटर होगा, जितना ज़्यादा मेरा पोटेंशियल यूज़ होगा उतना मेरा ज़्यादा होगा, जितना वाटर को हम लोग सप्लाई कर सके। लेकिन हम लोग इतना बचा के रखते हैं क्यों, क्योंकि ये हम लोग रखते हैं फॉर मरीन लाइफ,
मरीन लाइफ में जैसे हो गया जो मेरा मरीन जो मेरा वाटर के जितने भी एनिमल्स हो गए जैसे कि फिश टर्टल और भी जितने मरीन लाइफ होते हैं, मरीन के बहुत बहुत चीज़ होते हैं, तो उसको हम लोग को एक सेफ रखना होता है फॉर इकोसिस्टम के लिए, हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग को इतना पानी कोई भी हालत में हम लोग को बचा के रखना फॉर मरीन सेफ्टी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे वाटर के जो एनिमल हो वो रहते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको बचा के रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, अब हम लोग हर एक एक पॉइंट पर देखते हैं। तो हर एक पॉइंट पर देखेंगे इसमें मेनली क्या है, रिजर्वायर है, डैम है, सर्ज टैंक है, पेनस्टॉक है, पावर स्टेशन है एंड टेल्ट्रेस है। तो हम एक एक करके देखते हैं उसका वर्किंग क्या आता है। वर्किंग क्या, ये तो बस डिफिनेशन, लेकिन एक बार फिर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और आज से हम लोग का जो पावर सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया, तो ये ज़्यादा चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो मतलब कि इसमें मुश्किल से 6 या 7 क्लास लगेगा पूरा टोटल में, टोटल मतलब पूरा पावर सिस्टम। आप इससे कोई भी जेई का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, गेट का भी बना सकते हैं, अगर उस क्वेश्चन रिलेटेड आया तो। ठीक है, ईएस का बना, ईएस का थोड़ा इजी ही रहता है। तो चलिए फिर पहले देखते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर आप लोग समझ गए होंगे क्या करता है। रिजर्वायर जो है मेरा एक तरह से वाटर को स्टोर करके रखता है, जो कि ऐसा था, ये मेरा वाटर को स्टोर करके रखा था, ये मेरा रिजर्वायर हो गया। फिर सेकंड में था क्या, डैम। डैम क्या करता है, इसे होल्ड करके रखता है, इसे जब चाहे खोला जा सके और जब चाहे बंद किया जा सके, ये मेरा डैम हो गया। ठीक है, डैम। उसके बाद थर्ड में था क्या, थर्ड में था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या करता है, जैसे कि ये मेरा सर्ज टैंक हम लोग यहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो सर्ज टैंक हम लोग देखे थे इस तरह का रहता है, ये मेरा सर्ज टैंक रहता है इस तरह का। वो हमेशा पेन स्टॉक के जहाँ से इंक्लाइनेशन स्टार्ट होता है उसके जस्ट बगल में होता है। ठीक है, तो होता क्या कि अगर मेरा डिमांड जो है, नीचे मेरा पावर स्टेशन रहता, अगर मेरा डिमांड जो है घट जाए, तो हमको पता है कि घट जाएगा तो मेरा वाटर का जो सप्लाई, उसे हमें रुकना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम धीरे कर दिया जाए पावर स्टेशन को, टरबाइन पे अगर हम रोक लिया जाए, तो ये पेन स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से तो सप्लाई आ रहा है, सप्लाई यहाँ भी बंद होगा, लेकिन जो इसमें है वो होल्ड करके रखना है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, यहाँ से अचानक बंद किया जाता है, तो इस पेन स्टॉक के बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग एक हैमर बोलते हैं। हैमर एक आता है, वाटर हैमर, तो इसे वाटर हैमर होता है, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो उसको उससे बचने के लिए हाँ हम लोग सर्ज टैंक बनाते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है, जो भी इतना प्रेशर पड़ा, जो मेरा वाटर आ रहा वो इधर इस पेन स्टॉक से होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर वो मेरा ऊपर डिवाइड हो जाता है, और जो सर्ज टैंक होता है वो मेरा ऊपर ओपन रहता है, और ये जो इक्विलिब्रियम है वो वैक्यूम क्रिएट करने से बचता है, तो आराम से इसमें ऊपर चले जाता है। तो इसमें होता है कि पेन स्टॉक पे मेरा प्रेशर कम पड़ता है। ठीक है, ये मेरा सर्ज टैंक का हो गया। मेरे सर्ज टैंक बहुत तरह के हो सकते हैं, इंक्लाइनेशन हो सकते हैं, वो मेरा प्लांट बाई प्लांट डिपेंड करता है किस तरह का इंक्लाइनेशन हो सकते हैं, ये वर्टिकल है उस तरह से हो सकते हैं मेनली, लेकिन जो भी है सर्ज टैंक का मेन यही काम रहता है मेरा पेन स्टॉक को सेफ्टी के लिए। अब आते हैं हम लोग का थर्ड हो गया, अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या था हम लोग का, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या है, एक तरह से समझिए कि एक मेरा कंक्रीट या फिर मेटल का पाइप है, जिससे मेरा वाटर का जो लेवल, वो मेरा वाटर, सॉरी वाटर जो होता है उसके होकर ही, उस वो थ्रू से ही गुजरता है मेरा पावर स्टेशन में, और जो मेरे टरबाइन में और अल्टरनेटर से कनेक्ट होता तो वहाँ जाता है। ठीक है, तो पेन स्टॉक एक तरह से मीडियम है मेरा वाटर को ले जाने का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में। तो पेन स्टॉक कैसे होना चाहिए, तो पेन स्टॉक के लिए कुछ है कंडीशन है कि पेन स्टॉक का जो थिकनेस है वो इतना रहना चाहिए कि वो वाटर का प्रेशर को संभाल सके। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि पतला बना दिया जाए कि सिर्फ यार पानी ही तो फ्लो कर रहा, नहीं, उसमें है कि एक्सट्रीम कंडीशन को भी देखना रहता है, क्योंकि अगर मेरा गेट जो होता है बंद किया जाए पावर स्टेशन से, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है फॉर सडन टाइम। ठीक है, उसके लिए तो हम लोग सर्ज टैंक लगाए ही हैं, तो जो सडन टाइम क्रिएट होता है उसके बाद ही ना हम लोग को सर्ज टैंक काम करता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग पेन स्टॉक को थिकनेस बहुत बड़ा रहना अच्छा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, और इस ये जो है कंक्रीट का बना होता है, कंक्रीट प्लस मेटल रॉड वगैरह जो मिले होते हैं और स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ये मेरा पेन स्टॉक का रफली डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं, ये मेरा फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ में आते हैं, वाल्व्स एंड गेट। ठीक है, ये है मेरा वाल्व्स एंड गेट। तो वाल्व्स एंड गेट क्या होता है कि
ये मेरा जो टरबाइन, मान लीजिए टरबाइन है कनेक्टर, मान किसी तरह का टरबाइन है, हम लोग सिंपल एक पेल्टन व्हील ले लेते हैं, तो ये जो है इस पे मेरा वाटर का जो पोटेंशियल है इसको अप्लाई करना, वाटर का जो भी पोटेंशियल एनर्जी है जो इससे टकराएगा वो मेरा रोटेशनल मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर इससे मेरा अल्टरनेटर है, तो ये अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करेगा। तो जो मेरा वाल्व्स या गेट होता है, तो वाल्व्स होता है मेनली ये है कि वो मेरा हाई हेड के लिए यूज होता है। हाई हेड मतलब जिसका डिस्टेंस, जिसका हाइट ऊंचा पे है वाटर लेवल का, तो वो जो निकलता है वो मेरा प्रेशर के साथ आएगा, इसका भी जितना ही पोटेंशियल ज़्यादा वो ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो हाइट से गिर रहा है उसका पोटेंशियल ज़्यादा, और उसको अगर हम नैरो, अगर ये मेरा हाइट से ज़्यादा गिर रहा है, अगर उसको हम नैरो एरिया से पास करवाएं, तो वो पता है क्या होता है कि जितना कम एरिया रहेगा उतना प्रेशर होगा। तो आपको पता होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स वाई एरिया, इस तरह से समझ लीजिए। तो फोर्स को यहाँ पे, तो एरिया जितना भी अगर हम मेरा कम रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर, तो यहाँ पे एरिया हम लोग कम रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर पे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा हाई हेड के लिए, तो हाई हेड में क्या होता है कि बस अब टेंजेंशियली इस पे लगा दीजिए तो ये मेरा टर्बाइन रोटेट करेगा। और आती है बात गेट के लिए, ये मेरा वाल्व्स के लिए हो गया। गेट होता है मेनली लो हेड के लिए, लो हेड या मीडियम, मेनली लो हेड के लिए होता है। गेट होता क्या है कि एक बड़ा सा रहेगा, वो वाल्व्स की तरह लगेगा लेकिन वो बड़ा रहेगा, इसमें पोटेंशियल का यूज़ कम और मास का यूज़ ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए MGH सेम है, इसमें मतलब हाइट का यूज़ कम और मास का ज़्यादा, MGH तो पोटेंशियल का है फार्मूला। तो H अगर नहीं है मेरा, H अगर कम है लो हेड के लिए, H अगर कम है तो हम लोग इसमें क्या चेंज करें कि मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग मास को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि पर वॉल्यूम जो है वाटर का फ्लो हम लोग बढ़ा दिया जाए। जैसे कि पहले तो हम लोग क्या था, एक छोटा सा नोजल से पास करते थे वाल्व से, तो मेरा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट रहता था तो ये मेरा रोटेट कर देता था। लेकिन अब मेरा इतना बड़ा गेट है, अब अगर कोई भी चीज़ नीचे में है तो वो तो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो नीचे वाले के लिए हम लोग बड़ा सा कर लेते और नीचे एक मेरा टरबाइन रहता है। तो ये जो पूरा वेट आता है वाटर का, उसके कारण ये रोटेट होता है, तो इसके कारण ये मेरा ये जो हुआ वो गेट कहलाता है, ठीक है। तो गेट और वाल्व में बस यही है डिफरेंस, गेट जो होता है मेनली होता है लो हेड के लिए और वाल्व जो है मेरा हाई हेड के लिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, टेल रेस। टेल रेस क्या है? टेल रेस वो चीज़ जैसे कि अगर मेरा वाटर जो है मेरा डैम से खुलकर नीचे आकर, मेरा मान लीजिए ये है डैम से मेरा खुलकर वाटर आया, मेरा पावर स्टेशन में गया, टरबाइन से टकराया, टरबाइन को रोटेट कराया, अल्टरनेटर में को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स मिल गया, लेकिन टरबाइन के होने के बाद जो भी वाटर तो बाहर निकलेगा, वाटर थोड़ी ना ये मेरा स्टीम थोड़ी ना कि वो स्टीम बन जाएगा, वो वाटर बाहर निकलेगा। तो वाटर को जो लास्ट में हम लोग स्टोर किया जाता है, कोई भी तालाब वगैरह, कोई भी अपना जो प्लांट का कुछ रहता है, तो उसे हम लोग टेल ट्रेस कहते हैं। टेल रेस भी बोलते हैं, ट्रेस भी बोलते हैं, या टेल टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेल रेस में आते हैं, तो टेल रेस मेनली एक स्टोरेज है, ठीक है। और इसे कभी कभी वापस लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग उसे नेक्स्ट में देखेंगे। अभी यह टेल रेस ये है, तो जो मेरा यूज़ होने के बाद जो वाटर है उसको हम लोग एक स्टोर करके रखते हैं, वो मेरा टेल रेस हो गया। क्योंकि इसे आप ऐसे ही खोल नहीं सकते हैं कहीं भी, नहीं तो ये एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह ले आते हैं, तो इसलिए एक टेल रेस में हम लोग इसे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में है मेरा प्राइम मूवर एंड प्राइम मूवर, इसी को हम लोग और टरबाइन भी इसी को बोलते हैं। तो टरबाइन क्या होता है, जो मेरा वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल मतलब क्या, रोटेशनल यहाँ, ठीक है। जो मेरा पोटेंशियल है उसको हम लोग मैकेनिकल, मतलब जो पोटेंशियल है उसको हम लोग रोटेशनल या फिर काइनेटिक कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल भी मैकेनिकल है और रोटेशनल भी मैकेनिकल, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरा पोटेंशियल को उसको हम लोग एक रोटेशनल में कन्वर्ट करें। क्योंकि हमको टरबाइन को घुमाना, टरबाइन से मेरा कनेक्ट रहता क्या, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर मूव करेगा, अल्टरनेटर मूव करेगा तो ऑब्वियस से मेरा यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर लेगा। तो ये मेरा होता प्राइम मूवर या फिर टरबाइन, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ पॉइंट हो गया डैम के, प्लांट के अकॉर्डिंग जितने पॉइंट हैं हम लोग देख लिए सारे, ठीक है। और कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछो, मेरा फेसबुक पेज पे करो, क्योंकि आज से हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा कुछ था पर्सनल इशू, लेकिन चलो ठीक है, अभी ये सब बीच में नहीं आने वाला है।
और जो BSPSC लेके कर रहे हैं यार, उसका क्या रिजल्ट आ रहा कुछ पता नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, कब आएगा, सिर्फ हियरिंग पे हियरिंग आ रहा। तो अब बस पढ़ते रहो, उतना ध्यान मत दो पॉलिटिक्स पे, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा यहीं देख लेते हैं, अब आते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन होता है मेनली दो तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, मेन होता है एक होता है मेरा फ्लो, वाटर फ्लो पे, वाटर फ्लो मेरा क्या, वाटर फ्लो पे कैसे, अगर मतलब वाटर का फ्लो कैसा है, ठीक है। अगर मेरा वाटर का फ्लो मेरा अगर एक्सियल है, एक्सियल का मतलब कि अगर ये मेरा टरबाइन है, मान लीजिए टरबाइन है या फिर प्राइम मूवर कुछ है, ये मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है इस तरह से, तो जो शाफ्ट के है मान लीजिए इसमें ऐसे है, तो जो मेरा वाटर फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में इसी के एक्सिस के होगा, तो ये मेरा एक्सियल हो गया, ठीक है। ये मेरा मेनली होता है लो हेड के लिए, एक्सियल हो गया, यहाँ से अब पता चल गया एक्सियल वाटर फ्लो, तो ये मेरा लो हेड के लिए हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप हो गया मेरा रेडियल, इनवार्ड रेडियल इसे बोले या फिर रेडियल बोले, तो इनवार्ड रेडियल फ्लो, ठीक है। इसमें होता है क्या कि जो मेरा वाटर है, जैसे कि इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में रहेगा, तो मान लीजिए कि निकलने का एक रहता है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मेरा टरबाइन, मान लीजिए अगर कोई वाटर आया तो इस रेडियल में गया और यहाँ पे मेरा टरबाइन लगा हुआ, तो वो एक रोटेट करके यहाँ से निकल जाता है बाहर, तो ये मेरा टरबाइन को घुमा लेता है। इसमें जो होता है ये मेरा मीडियम के लिए या फिर मीडियम के लिए मेनली यूज होता है, तो ये मेरा रेडियल इनवर्ट रेडियल हो गया, क्योंकि जब इसमें प्रेशर के साथ साथ मास को भी देखा जाता है, कितना मेरा वाटर इसको पुश कर रहा है, टरबाइन को घुमा रहा है, ठीक है। ये मेरा रेडियल हो गया, इनवर्ट रेडियल। और थर्ड होता है मेरा टेंजेंशियल, जो कि थोड़ा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब कि अगर कोई भी वाटर है वो मान लीजिए टरबाइन है, तो इस पर टेंजेंट बना रहा है, जैसे ये टेंजेंट, ठीक है। तो इस और यहाँ पे तो मेरा प्राइम मूवर है जो कनेक्ट होगा, तो इस पर फोर्स लगेगा तो इसको रोटेट करा देगा, तो ये मेरा टेंजेंशियल हो गया। ये मेरा हाई हेड के लिए होता है, हाई हेड के लिए क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तभी जाके बस टेंजेंट पे ही लगता है, इसको साइड में लगता है, तो ये इतना जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता है, फिर भी मेरा रोटेट करता है। ये मेरा टेंजेंशियल हो गया, ये मेरे लिए हाई हेड के लिए होता है, जैसे कि पेल्टन व्हील। और ये मेरा हो गया क्या, कपलान व्हील, कपलान टरबाइन इसको बोलते हैं, ये मेरा एक्सेल फ्लो करता है। ये मेरा दोनों हो सकता है, फ्रांसिस भी हो सकता है, कपलान भी हो सकता है, क्योंकि मीडियम और लो के लिए होता है, ठीक है। और मिक्स्ड, मिक्स्ड में होता है ये तीनों तरह का, तो वो मेरी फ्रांसिस में आता है, ठीक है। तो मिक्स में कुछ है नहीं ज़्यादा, मिक्स में बता दे रहे हैं कि सिर्फ कि वो मेरा तीनों किसी भी तरह से आ सकता है, टेंजेंशियली या फिर रेडियली या फिर कुछ भी, ठीक है। अब आते हैं हम, दूसरा आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो वाटर फ्लो के लिए था क्लासिफिकेशन, सेकेंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेरा मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड बोले या फिर मेरा टरबाइन बोले। अब ऑन द बेसिस ऑफ टरबाइन आते हैं, ठीक है, या फिर ब्लेड बोल सकते हैं, कि किस तरह से मेरा जो है प्राइम मूवर मूव कर रहा है। तो पहला आता है, ये आप लोग सुने होंगे और ये ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही के माध्यम से ये ज़्यादा है, इम्पल्स टरबाइन, और सेकेंड रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। ये है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग ब्लेड। तो इम्पल्स टरबाइन में होता है क्या कि इम्पल्सिव फोर्स का नाम सुने होंगे आप लोग, कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, कि एक शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का फोर्स अगर कहीं पे लगता है तो उससे एक इम्पल्स क्रिएट होता है फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो ये मेरा होता है हाई हेड के लिए, ये मेरा होता है हाई हेड के लिए, क्योंकि हाई हेड क्या है कि वाटर का लेवल ऊपर है, वहाँ से कोई वाटर गिर रहा, तो एक मेरा इसका प्रेशर ज़्यादा हो, क्योंकि हम लोग एक छोटे से नोजल से पास करवा रहे हैं, तो मेरा प्रेशर ज़्यादा, और इससे हम लोग एक पेल्टन व्हील, तो ये होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ता है, तो इसको ये रोटेट करा देता है, तो इसे हम लोग इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। ये मेरा हाई हेड के लिए होता है, ये मेरा पेल्टन व्हील में यूज होता है। और आता है रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि रिएक्शन, जैसे कि जितना हम एक्शन लाएँ उतना ही मेरा रिएक्शन होगा, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग देंगे, जैसे कि अगर हम लोग, हमें गेट के लिए बताए थे कि अगर ये मेरा वाटर लेवल ऊपर से आ रहा है, ये फॉर मेनली लो टरबाइन, लो हेड के लिए होता है, मीडियम के लिए भी इम्पल्स, मीडियम मिक्स में दोनों में रहता है, ठीक है। तो लो और, तो ये मेरा नीचे टरबाइन है, इसका ब्लेड इस तरह से रहता है बना हुआ, ठीक है, कि जैसे फ़ैन है ना, फ़ैन हम लोग जो सीलिंग फ़ैन वगैरह, तो क्या होता है कि वो मेरा
जब रोटेट करता तो वो मेरा हवा को पुश करता नीचे की तरफ, ठीक है। उसी तरह से है, उसका जस्ट अपोजिट करेगा। अगर हम लोग हवा को नीचे से ऊपर देंगे तो मेरा जो फैन है वो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, ये चीज है। तो इसमें हवा की जगह अगर वाटर लेवल इस पर गिरा रहा है तो ये मेरा इस तरह से होगा और ये मेरा हल्का हल्का रोटेट करने लगेगा। तो जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना मेरा ये घूमेगा। तो ये मेरा रिएक्शन टर्बाइन मान लिया गया, जो कि मेरा है कप्लान। तो इसे हम लोग कप्लान टर्बाइन, कप्लान भी बोलते हैं। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन हो गया दोनों का, ठीक है। हो सके तो नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये सारे जेई के लिए और मेनली फोकस है ऐसे जेई पे। आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है, उसमें टाइम भी है, उसमें वो सब कुछ फेयर होता है यार। ये BSPSL क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और भी बहुत लोग जेई, बहुत तरह के जेई आ रहे हैं, तो सब पे ध्यान देना है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल में एक इससे उतना न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन एक देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है कि क्या होता है कि पावर डेवलप्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। बोले कितना मेरा पावर जनरेट होता है यार, तो इसका कुछ होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल एनालिटिक होना चाहिए, कुछ फार्मूला होना चाहिए। तो ये होता है मेरा P = ये मेरा जो पावर हुआ वो होता है 9.81 × 10⁻³ टू QWh kW। ये मेरा एच है, ये मेरा ईटा है, ठीक है। ईटा ईटा मतलब इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी। हाँ, ये मेरा पावर जनरेट है, ये मेरा 9.81 × 10⁻³ रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों क्या है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको जरूरी नोट कर लीजिएगा। क्यों है मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन kg/m³। क्यों मतलब कितना मेरा रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, मेरा वॉल्यूम 1 kg में मतलब पर मीटर क्यों क्या हो, एक वॉल्यूम हो कि कितना kg मेरा, एक वॉल्यूम में मेरा कितना kg फ्लो हो रहा है, ये क्यों हो गया। और फिर आता है मेरा W, W मेरा क्या है यहाँ पे, ये वाली मेरा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ क्यों था kg, यहाँ कन्फ्यूजन हो गया था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन m³/s, मतलब कि m³/s मतलब कि 1 सेकेंड में कितना m³ मेरा वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा कन्फ्यूज कर गया था, थोड़ा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर यहाँ पे होगा इन kg/m³, ठीक है। kg/m³ क्या, ये आपको दिया नहीं रहेगा, क्योंकि इसको आपको याद रखना है इसका क्या होता है, 1000 kg/m³। ये मेरा स्पेसिफिक वेट होता है वाटर का, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, चाहे दिया रहेगा ठीक है, लेकिन ये मेरा W हो गया, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर रहेगा। दिया रहे ठीक है, नहीं तो आपको इतना लेना, 1000 लेना है। उसके बाद H आता है, H क्या है मेरा हाइट ऑफ हेड, हेड बोल सकते हैं, या फिर जहाँ से मेरा वाटर का जो हाइट रहेगा, जैसे ये मेरा है तो ये मेरा रहेगा, बोलेगा कि मेरा हेड है मेरा 100 meter, 100 meter का जो है रिजर्वायर वो मेरा, जो पावर प्लांट का जो है से भी मेरा हेड रहेगा, उसका मेरा एच डिस्टेंस रहेगा वो मेरा मीटर में रहेगा। अब आते ईटा, ईटा मेरा इफिशियंसी, ये भी दिया रहेगा मेरा ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन, या फिर वाटर जो मेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है उसका मेरा ओवरऑल इफिशियंसी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का एक फॉर्मूला जिसका, जिससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं वहाँ का प्लांट का, कि कितना मेरा पावर जनरेट होगा, कितना मेरा वाटर में, या फिर कितना मेरा। तो ठीक है, ये मेरा रफली सारा हो गया मेरा पावर प्लांट का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए, ठीक है। इसमें एक और आता है क्या करके, थोड़ा आते हैं इम्पोर्टेंट पे, इम्पोर्टेंट सारे हैं ऐसा नहीं है। अब आते हैं दूसरा, एक पंप्ड ऐसा जेई में है या नहीं है, हालांकि है क्योंकि जेई से ही है, स्ट्रिक्टली रिलेटेड जेई से है, लेकिन पूछा कम जाता है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो सिंपल वही चीज़ है, पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट। एक तरह से मेनली क्या होता है, पीक डिमांड के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि बेस डिमांड और पीक डिमांड क्या होता है। तो जो बेस डिमांड है वो मेरा सिंपल जो मेरा कि डिमांड होता है कोई पावर प्लांट का, जितना मेरा उस एरिया का डिमांड है वो मेरा बेस डिमांड्स के द्वारा पूरी होता है, जो कि हम जस्ट पहले पढ़े थे, अभी जस्ट जो पहले देखे वो मेरा बेस के लिए बना हुआ था। जो मेरा सिंपल मेरा बेस दे रहा है, जैसे कि मेरा 1200
मेगावाट अगर मेरा डिमांड है उस एरिया का, तो वहाँ से जो बेस से मेरा 200 मेगावाट का एनर्जी जो है मेरा जनरेट हो रहा हो। लेकिन कभी कभी होता है पीक पे आ जाता, पीक मतलब क्या बोले कि मेरा कभी कभी डिमांड बढ़ जाता, डिमांड बढ़ जाता जैसे दिवाली हो गया या फिर कई कोई 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 फंक्शन में मेरा डिमांड है जो बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम लोग को पीक प्लांट यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट है वो मेरा मेनली पीक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे वो काम करता है। वो सेम उसी तरह रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वायर रहेगा, एक डैम रहेगा, इसमें बस सर्ज टैंक नहीं रहेगा क्योंकि ये मेरा पीक के लिए यूज होता है, तो इसमें उस तरह का कोई दिक्कत है नहीं, ये बस वन टाइम यूज होता है। ये मेरा पावर स्टेशन रहेगा, यहाँ पे टेल ट्रेस, ये मेरा यहाँ पे एक डैम या फिर इसको स्टॉपेज जो भी बोलो। तो होता क्या कि पीक में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा डिमांड चाहिए सडन में, तो ये मेरा यहाँ से तुरंत रिलीज़ करता वाटर को और फिर ये मेरा सिंपल जाता है, यहाँ पे एक टर्बाइन लगा हुआ था और इसको रोटेट करता और फिर मेरा जितना चाहिए वो मुझको मिल जाता है, यहाँ से जितना हम लोग चाहे पावर वहाँ से जनरेट होता अल्टरनेटर, और यहाँ पे फिर मेरा वाटर स्टोर हो। बस यही सिंपल, कुछ केस नहीं। लेकिन इसका एक है कि ये जो टर्बाइन है वो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट करता है, क्योंकि जो ये मेरा वाटर इसको हमको वापस हमको रिजर्वायर में पहुँचाना होता है, तो इसलिए ये टर्बाइन है जो हमको वापस को उल्टा करके रिवर्स करके हम लोग को रोटेट कराना होता है, ताकि जो टेल रेस का है वो मेरा वापस रिजर्वायर में जा सके। तो ये होता है इसका मेन। चलिए फिर ये हो गया, हम लोग समझ लिए पम्प स्टोरेज पावर प्लांट में। चलिए अब आते हैं कुछ, ये हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ पावर प्लांट तक ही रखें क्योंकि ज़्यादा लेक्चर बड़ा करना नहीं है, और अभी टाइम है, हम लोग 2 दिन पे 3 दिन पे मेरा लेक्चर आते रहेगा। अभी पावर प्लांट, उसके बाद थर्मल न्यूक्लियर हम लोग का नेक्स्ट में आएगा। तो अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हम रखे हैं, ठीक है। ये मेरा SSC दिख रहा हुआ तो ठीक है, जैसे हम बता दे रहे हैं ये मेरा SSC JEE 2011 में पूछा गया कि लो हेड प्लांट जनरली यूज, लो हेड प्लांट में क्या जनरली यूज होता है, पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लान टर्बाइन या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ पेल्टन या फ्रांसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, कैप्लान। अभी हम लोग जस्ट देखें कि लो हेड के लिए मेरा जो मेरा टर्बाइन यूज होता है वो है मेरा कैप्लान। ये याद रखिए, ये मेरा SSC JEE 2011 में पूछा गया था, ठीक है। ये अपना हो गया, और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मेरा SSC का, अब ये मेरा एक गेट का हम कई क्वेश्चन रखे थे। ये मेरा इसे रफ कर रहे हैं, हम लोग बता देंगे, अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम वैसे रख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया, 4 हार्नेस लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल एक रिएक्शन एंड रनर एडजस्टर, मतलब कि मेरा हाई जो ऐसा कौन सा मेरा टर्बाइन है जो कि मेरा लो हेड वाटर के लिए मेरा पावर को हार्नेस कर सके, वहाँ से निकाल सके, और मेरा जो परसेंटेज रिएक्शन का परसेंटेज वो भी हाई रखे, और मेरा रनर एडजस्टेबल वेंस, मतलब कि उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा एक ही बता दें, जो कैप्लान होता है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसका पीच को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। वो मेरा वाटर का जो वेट है उस पर डिपेंड करेगा, कितना मेरा वॉल्यूम, कितना मेरा किस एरिया से मेरा कितना ज़्यादा वाटर आ रहा है। तो पीच होता क्या है कि जैसे ये है, मान लीजिए इसका एक रेडियल हो गया, ठीक है, डायमीटर है, तो ये मेरा यहाँ पे जो ब्लेड का है उसको हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं इसके डायमीटर के अनुसार। तो ये मेरा पीच है, ये मेरा एडजस्टेबल होता है, ठीक है, ये मेरा कैप्लान में होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो रिएक्शन एंड रनर एडजस्टेबल इवेंट। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि लो वेरिएबल वाटर हेड, ठीक है। फिर बोला गया कि परसेंटेज रिएक्शन ज़्यादा, तो रिएक्शन टर्बाइन कौन सा था बता चुके थे, कैप्लान होता, और लो के लिए भी कैप्लान, तो इसका जो राइट आंसर वो है मेरा कैप्लान। ये मेरा कैप्लान, ये मेरा 2004 गेट में आ चुका है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक पावर प्लांट से यही सब क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें पावर मेनली क्वेश्चन आते हैं तो थर्मल से भी ज़्यादा नहीं आते, वो कुछ कुछ पूछा जाता, और न्यूक्लियर से, ठीक है, न्यूक्लियर में कुछ मॉडरेटर वगैरह ये सब पूछा जाता। तो जो थ्योरी है वो, अब मेन क्वेश्चन जो पावर जनरेशन में वो पूछा जाता है डाइवर्सिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, इससे क्वेश्चन पूछा जाए, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग पावर प्लांट के लिए हम लोग सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे थर्मल पे, फिर न्यूक्लियर पे, फिर इस पे। तो हम लोग देखेंगे थर्मल और न्यूक्लियर और जो इकोनॉमिक वाले हैं वो सारे एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर था। तो
चलिए आज इतना ही रख लेते हैं. थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस टू ऑल जेई जो जो तैयारी करिए, और सबको शेयर करो.